हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द डीके गोयल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 विच इज गिवन योर जनरल चैप्टर 16 में दिया है कि पास जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपको जनरल एंट्री पास करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल एंट्री का क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे, जनरल एंट्रीज। अच्छे से कुछ फॉर्मेट बना लेंगे आप, आपका डेट का कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। अब आते हैं जनवरी 5 का ट्रांजेक्शन है। जनवरी 5 में करा कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरिज। देखिए, कभी भी जब परचेज किया जाता है अगर उस पर कैरिज भी पे किया जाए, कैरिज मतलब ढुलाई भाड़ा कहते हैं इसको, तो 200 जब परचेज किया तो अब इसका टोटल कास्ट अधिक हो जाएगा, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। तो परचेज में आपका 10,000 है, कैरिज में 200 है, यानी कि 10,200 लिखेंगे। बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश एंड पेड कैरिज, अब नेक्स्ट आपका जनवरी 10 का ट्रांजेक्शन है। जनवरी 10 कह रहा है कि परचेज मशीनरी फॉर कैश 50,000 एंड स्पेंट 500 फॉर इट्स कैरिज। देखिए, तो जो भी कैरिज पे किया जाता है, तो अगर एसेट है, गुड्स है, तो आप कैरिज का एंट्री कर सकते हैं, एसेट है तो आप इस एसेट में ही उसको भी आप क्या करेंगे, टोटल कास्ट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आप 50,500 आप लिखेंगे, टोटल कार्ड से आप एंट्री करेंगे। बीइंग परचेस्ड मशीनरी नेक्स्ट है जनवरी 15 कर पे 20,000 फॉर सीमेंट 10,000 फॉर टिम्बर एंड 5,000 एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो जितने भी जो एक्सपेंसेस है आपके, सारे एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे और टू कैश कर देंगे, यानी कि लिखेंगे सीमेंट अकाउंट डेबिट टिम्बर
सीमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टिम्बर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 सीमेंट के एक्सपेंसेस है, 10,000 टिम्बर एक्सपेंसेस है और वेजेस 5,000 है, तो ये हो जाएगा 35,000 क्रेडिट हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है। लिखेंगे बीइंग पेड फॉर सीमेंट टिम्बर एंड वेजेस, या आप एंट्री कर देंगे, या आपका जनवरी 15 तक का एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री आपको फिर से इरेज करके नेक्स्ट आपको 17 से आपको जनवरी 17 से आपको एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट आपका ट्रांजेक्शन है जनवरी 17 का, परचेज एन ओल्ड मशीनरी फॉर 20,000 एंड स्पेंड 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। इसमें भी आप टोटल कास्ट से एंट्री करेंगे, दोनों कास्ट को ऐड कर लेंगे 20,000 और 2,500, यानी कि 22,500 से आपको एंट्री करना है। लिखेंगे जनवरी 17 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 22,500 से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेस्ड ओल्ड मशीनरी एंड पेड फॉर रिपेयर्स। अब जनवरी 20 का ट्रांजेक्शन है, कह रहा कि पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे रिपेयर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 500 से आप एंट्री करेंगे। लिखेंगे बीइंग पेड फॉर रिपेयर्स, बस इतना ही लिखेंगे। आपका ये जनवरी 20 तक का क्या हो गया, ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसका जब टोटल करेंगे तो आपका 118,700 आपका आएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है डीके गोयल जनरल चैप्टर से, और ऐसे ही आपको एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, और उसमें से जो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।